दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जहां देश भर में देशवासियों ने योगा किया, वहीं लुधियाना के हमड़ा रोड स्थित श्री गोविंद गोधाम में भी विशेष योग साधना शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ गणेश वंदना के साथ किया गया, जिस पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति पेश की। इस शिविर का आयोजन ओम फाउंडेशन और पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के कृष्णलाल गुप्ता, प्रमोद शर्मा और वीरा बहन ने शिविर में भाग लेने वालों को योगासन क्रिया बताते हुए उनसे मानव शरीर को पहुंचने वाले लाभ के प्रति जागरूक किया। इस मौके पर पंजाब भाजपा के कोषाध्यक्ष गुरुदेव शर्मा देवी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस दौरान गुरुदेव शर्मा देवी ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योगा दिवस पर योग करने का संदेश जो जन जन तक पहुंचाया है वह सराहनीय है। इस अवसर पर इंडस्ट्री सेल पंजाब के संयोजक रविंद्र अरोड़ा, जिला भाजपा अध्यक्ष प्रवीण बांसल, पंडित राजन शर्मा सहित कई भाजपा वर्कर भी मौजूद रहे। ये राष्ट्रीय पर्व नहीं है, ये तो अंतरराष्ट्रीय पर्व है। पूरे हर्षोल्लास का आज दिन है, ये महापर्व है, ये योगियों का पर्व है। तो के बिहारी लाल की जय, तभी तो जीवन में जय होगी, तभी जीवन में जय होगी। शरीर मन बुद्धि जब स्वस्थ हो जाएंगे तो जीवन में आनंद की धारा बहने लगेगी। भाई और बहनों, पद्मासन लगता है तो पद्मासन लगाए क्या? एक पांव बायां पांव तीन बार ओम करी करेंगे, पवित्र ओम नाम का जाप, शरीर को सीधा कर दे। आज का कार्यक्रम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि योग को तो बेचा जा ही नहीं सकता। तो एक बार आप सुनेंगे, फिर बाद में करेंगे। एक बार सुन लेंगे, मेरे साथ मंच में आदरणीय गुस्सा ओम की ध्वनि। अपने स्तर पर प्रधान शरीर में होती है, परंतु भूतल या और शरीर का मालिक रहेगा। इसको शरीर की तरफ देखा जाएगी, बनाते हुए पंजों को दाएं से बाएं करते हैं। साथ को प्राणायाम के साथ जब हम ये सूक्ष्म व्यायाम, चलती का नाम गाड़ी है, तो इसलिए आज हमारी सभी गाड़ियां जैसे हमारी कार स्कूटर वगैरह होते हैं ना जी, उसकी रेलवे पैसा सर्विस करवानी मिलती है प्रवीण जी, उसकी सर्विस करवानी पड़ती है, तो गाड़ी सर्विस स्टेशन जाती है, गुड्डे उपरीचे करके पिंडियों को दब दबाइए। आज ये शरीर रूपी गाड़ियाँ हम सबकी गोविंद गोधाम में आई हुई है। जीवन ना जी सके, जीवन में मौज आएगी, बहारें आएंगे, पॉकेट्स हैं, जितने टॉक्सिन, जितने इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल ब्रेन की पॉकेट्स के अंदर जब ऊर्जा प्राप्त होती है प्राणायाम से, और फिर डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, अंतरराष्ट्रीय हिंदुस्तान दे विच योग दा कार्यक्रम किया जा रहा है, जिन्हों मोदी जी ने सारे देश दे विच घर घर योग दा प्रोग्राम बचा के बहुत अच्छा काम किया है। मैं सारे देशवासियों को योग दे बहुत बहुत मुबारक देना। प्रमोद शर्मा, जिला अध्यक्ष लुधियाना। आज जो योग का शिविर चल रहा है, विश्व योग, हर एक एक शहर में हर जगह पे इसका प्रचार व प्रसार हो रहा है। लुधियाना में जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो गोविंद गोधाम में हो रहा है, और ये प्रोग्राम इसमें लगभग हजारों की गिनती में लोग आए हैं और अभी आ रहे हैं। कौन कौन से योगासन करवाए जा रहे हैं? यहाँ पे हम पहले प्राणायाम कराएंगे, प्राणायाम के आसन और सूक्ष्म क्रियाएं सभी कराई जाएंगी, ताकि हमारा तन मन धन सब स्वस्थ हो, इसलिए हम ये योग की सभी क्रियाएं कराएंगे। इनसे हम शुगर, ब्लड प्रेशर,
हार्ट की प्रॉब्लम, उसके बाद जोड़ों के दर्द, थायराइड, यानी कि जो भी नाम लोगे हर बीमारी से ठीक होगी, लेकिन हमारी करने की विधि ठीक हो, हम पूरा समय दें योग के लिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। ये जो मोदी जी ने योग की लहर चलाई है, लोग इसको जन जन में देखने को मिल रहा है कि हर गली में हर मोहल्ले में लोग, हमें कई लोगों से फोन आ रहे हैं कि हमें योग कराओ, हमें योग कराओ। लेकिन आज समय हमारे जितने भी योग शिक्षक हैं सभी इसमें लगे हुए हैं, कोई अपना अहमदगढ़ में हमारा कैंप चल रहा है, सानेवाल में चल रहा है, लुधियाना में 5-6 जगह पे चल रहा है, और ये बाकी जो मोदी जी की कृपा से ये सारा काम सफल हुआ है। राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो आज पूरे भारतवर्ष में जो ऋषियों मुनियों की परंपरा थी, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व में यूएनओ में ये पारित करवा कर कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष मनाया जाएगा, ये भारतीय परंपरा की जीत है, भारतीय संस्कृति की जीत है, और इस पर समस्त विश्व ने अपनी मोहर लगाकर आज विश्व भर के लोग टाइम्स स्क्वायर लंदन में, अमेरिका में, जिस देश में देखे उधर योग ही योग नज़र आ रहा है। ये भारतीय संस्कृति की विजय है, ये भारतीय परंपरा की विजय है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि योग के माध्यम से जो भारत पहले विश्व गुरु था उसको पुनः विश्व गुरु की बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा प्रयास, एक बहुत बड़ा कदम है। मैं आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनी तरफ से अपनी संस्था भारतीय जनता पार्टी संवेदना ट्रस्ट में हमारे मेरे सहयोगी मेरे बड़े भाई गुरुदेव शर्मा जी, कोषाध्यक्ष पंजाब भारतीय जनता पार्टी, मेरे अनुज श्री अमित गोसाई जी, महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा, हम सब लोगों ने यहाँ श्री गोविंद गोधाम में आज योग कार्यक्रम में अभ्यास किया है और योग का आनंद प्राप्त किया है। ये आनंद आप सबको प्राप्त हो, इसी भावना के साथ एक बार पुनः आप सबको कोटिश कोटिश बधाई।